इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। सोने से पहले एज यूजुअल जैसे आप लगाते हैं, वैसे मैं भी नाइट क्रीम लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि नाइट क्रीम ही ऐसी चीज़ है जो रात भर में हमारी स्किन को रिपेयर करता है, मॉइस्चराइज करता है और सारे स्किन प्रॉब्लम से काफ़ी दूर रखता है। तो अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सी नाइट क्रीम यूज़ करें, कौन सी ना करें, या परफेक्ट नाइट क्रीम एज़ पर योर स्किन प्रॉब्लम कैसे चुने या कैसे क्या, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट? अगर कहीं आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है तो आज मेरे पास आपके लिए तीन ऐसी नाइट क्रीम है जो कि आपकी स्किन के लिए परफेक्ट हो सकती है। इसमें से कोई भी आप एक नाइट क्रीम बनाकर देखिए एज़ पर योर स्किन प्रॉब्लम, एंड आई एम श्योर कि आपकी स्किन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि नाइट क्रीम उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना हमारी स्किन के लिए या हमारी बॉडी के लिए पानी होता है। तो चलिए आज मैं आपको तीन ऐसी नाइट क्रीम्स के बारे में बताने वाली हूँ, तो देखेंगे। ठंड के मौसम के लिए आज मैं आपको तीन अलग अलग ऐसी नाइट क्रीम बताने वाली हूँ जो कि आपकी स्किन की कितनी भी प्रॉब्लम्स हो उन्हें सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेंगी। तो सबसे पहले जो नाइट क्रीम है वो आपकी स्किन को ग्लो देगी, मॉइस्चराइज रखेगी, फाइन लाइंस रिंकल्स कम करेगी और आपकी स्किन पर एक अलग ही चमक लाएगी। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए चलिए मैं बता दूँ। एक बड़ा चम्मच आपको एलोवेरा जेल लेना है, उसके बाद एक बड़ा चम्मच प्योर आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल लेना है, उसके बाद आधा चम्मच कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल लेना है, और उसके बाद आधा चम्मच ग्लिसरीन लेना है। ग्लिसरीन आपको मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, और उसके बाद एक बड़ा चम्मच रोज़ वाटर लेना है। अब इन पांचों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लीजिए और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो क्रीम जैसे बन जाएगी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका ये जो नाइट क्रीम है अच्छे से बन गया है। अब इस नाइट क्रीम को रात में सोने से पहले आपको लगाना है बस थोड़ा सा, और ये जो बचा हुआ नाइट क्रीम है उसे आप फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। इस नाइट क्रीम को आप 7 दिनों तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी नई नाइट क्रीम फिर से एक बार बना सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी नाइट क्रीम बताऊंगी, ये आपकी स्किन की जो चमक है उसे बढ़ाएगा, पिंपल मार्क्स जो होते हैं, एक्ने मार्क्स जो होते हैं उन्हें कम करेगा और आपकी स्किन टोन को भी काफ़ी अच्छा बनाएगा। 1 से 2 टोन आपकी स्किन जो है गोरी हो सकती है इस नाइट क्रीम की मदद से। इसके लिए आपको एक बड़ा चम्मच नींबू का रस चाहिए, एक बड़ा चम्मच रोज़ वाटर चाहिए और आधा चम्मच ग्लिसरीन चाहिए। इन तीनों को अच्छे से मिला लीजिए और तब तक मिलाइए जब तक ये क्रीम जैसे ना दिखे। अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा हो चुका है और ये जो क्रीम है आपकी स्किन पर लगाने के लिए तैयार है। इसे आप थोड़ा सा अपने स्किन पर लगा लीजिए रात में सोने से पहले, और बाकी जो बच गया है उसे आप 5 से 6 दिन के लिए फ्रीज में रख सकते हैं, जिसे आप रात में सोने से पहले रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरी ऐसी नाइट क्रीम बताऊंगी जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। आपकी स्किन कैसी भी हो, ड्राई हो, ऑयली हो या सेंसिटिव हो, हर स्किन टाइप के लिए ये जो तरीका है नाइट क्रीम का बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी कंपनी की नाइट क्रीम ले लीजिए या फिर आपकी जो भी फेवरेट नाइट क्रीम है उसे ले लीजिए, और उसमें आपको 2 विटामिन ई की कैप्सूल को खोल के डाल देना है। बस हो गया, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको अपनी नाइट क्रीम में 2 विटामिन ई की कैप्सूल्स को डाल देना है और अब अपनी क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब ये विटामिन ई और आपकी क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस क्रीम को आप रोज़ाना लगाइए, देखिएगा ये जो क्रीम है आपकी स्किन पर दुगने असर से काम करेगी और आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कर देगी। तो देखा आपने कि नाइट क्रीम बनाना कितना आसान था। मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग नाइट क्रीम बनाई है,
आप अपनी स्किन के प्रॉब्लम्स और स्किन के टाइप के हिसाब से अपनी नाइट क्रीम बना सकते हैं। तो जाइए जल्दी से बनाइए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी नाइट क्रीम आपके लिए कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कहीं अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करना पड़ेगा आपको। तो चलिए मैं आपको मिलूंगी और अच्छे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।